हेलो। हाँ डैड, मैं वाराणसी पहुंच गया हूँ। वेरी ब्यूटीफुल सिटी। वेयर आर यू डैड? अभी मैं घाट पे हूँ और यहाँ मंदिर बहुत ही ज़्यादा है। ओके, एंजॉय राखी एंड टेक केयर। ओके थैंक यू डैड। शरीफ लग रहे हैं, पर पूरी वजह से है कि जो यहाँ हर एक घाट पर डस्टबिन लगा हुआ है कचरा फेंकने के लिए, फिर भी आप गंगा जल में गंदगी कर रहे हैं। आई एम सॉरी भाई साहब, मुझसे गलती हो गई, पर इस पवित्र गंगा में ऐसी भी गंदगी बहती है जो उसमें जहर घोलने का काम करती है। मुझे तो दिख गई पर शायद आपको नहीं दिखी। आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ बोलिए भाई साहब। घाट किनारे एक से एक सुंदर होटल, पुरानी से पुरानी इमारत और उसमें रहते लोग, और उसमें से निकलती गंदगी और सीवर का पानी और जहरीले पदार्थ सीधे आकर गंगा जी में गिरते हैं, जो कि सबसे बड़ा पाप है। और गंगा जी को अशुद्ध करने के लिए सब भागीदार हैं। लाखों भक्त रोजाना गंगा जी को शुद्ध मानकर इसे ग्रहण करते हैं, पर उनके साथ साथ उसमें जहरीला पानी भी उनके शरीर में प्रवेश करता है। और अब भी ये देश नहीं जगा तो वो दिन दूर नहीं जब गंगा जी से इतिहास में पढ़ने को मिलेंगे। बात तो बिल्कुल सच कहा आपने, जनता के साथ साथ यहाँ के अधिकारी और सरकार को इस पर जल्द से जल्द विचार करना चाहिए। ये नीम से बड़ा कोई जंगल नहीं, इतना बनारस किसी लंदन से कम नहीं। हरर महल नमस्कार, मैं प्रिंस अग्रवाल। मानो तो ये गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी। हिमालय से निकलकर बहती पावन धारा जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं वैसे इनका दर्द भी बढ़ता जाता है। गंदगी का अंबार चल रहा है, श्रद्धालु घाट पर ही पूजा के सूखे फूल एवं अन्य सामग्री फेंक दे रहे हैं। इसके अलावा स्नान करने आए लोग भी घरों का कचरा घाट किनारे फेंक कर चले जाते हैं। इसका जिम्मेदार नगर पालिका प्रशासन है। समय समय पर कुछ सामाजिक संस्थाएं गंगा सफाई अभियान के लिए कार्यक्रम चलाती है, मगर उसका ये कार्यक्रम फोटो खिंचवाने तक ही सीमित रहता है। वास्तव में गंगा घाट पर अभी भी गंदगी बेशुमार। जल एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है सन 2020 तक गंगा 80% स्वच्छ हो जाएंगी। अब देखना यह है कि बातों में कितनी सच्चाई है। समझाना हमारा काम, समझना आपका।